दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। योगी सरकार आज बजट पेश कर सकती है जिसमें कई सारे लोगों को लाभ मिल सकता है, चाहे वो पेंशन धारक हो या राशन कार्ड धारक हो। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के लिए भी बड़ा ऐलान होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है और इसके साथ ही 10 राज्यों में आंधी तूफान के आसार बताए गए हैं। दोस्तों फ्री गैस सिलेंडर के लिए एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है, 15 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। जानेंगे हर एक नई जानकारी, छोटी सी बड़ी जानकारी सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले सबसे पहले वेदर अपडेट की, तो यूपी में आज से बिगड़ेगा मौसम। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं, गिर सकते हैं ओले। यूपी में रविवार से लेकर मंगलवार तक लगातार ऐसे ही मौसम बना रहेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी पश्चिमी बुंदेलखंड अंचलों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में सोमवार से मंगलवार तक ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद है। देखिए बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई है, अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। वही सीएम योगी का बड़ा ऐलान, दिव्यांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको मिलेगा कई लाभ। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगों में असीमित प्रतिभा होती है, बस उसे तराश कर मंच देने की जरूरत है। दिव्यांग लोग सरकार और समाज दोनों के प्रोत्साहन के हकदार हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें जल्द ही पेंशन की राशि भी इनकी बढ़ा दी जाएगी। सीएम योगी ने दिव्यांगों को लेकर एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड होगा उन्हें पेंशन के साथ मकान भी दिया जाएगा। यानी अगर आप एक पेंशन धारक है, दिव्यांग पेंशन पाते हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको आवास योजना में मकान भी मिलेगा। जल्दी पेंशन की राशि बढ़ाने वाले हैं और 4500 रुपए मिलेगा। आपको बता दें इसी बजट में ऐलान होने के बाद आपको मार्च या अप्रैल महीने से मिलना भी शुरू हो जाएगा। कोई भी दिव्यांग राशन कार्ड, आवास और पेंशन साथ ही शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसा योगी सरकार ने निर्देश दिया है। मिलावटखोर सावधान हो जाए, 29 कारोबारियों पर लगा है 15,15,000 का जुर्माना। मिलावट को अब नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, मिलावटी सामग्री मिलने पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने यूपी के 29 कारोबारियों पर लगभग 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यानी किसी भी प्रकार की मिलावट होती है तो फिर जुर्माने के लिए तैयार रहे। वही अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल का शेड्यूल जारी हो गया है। भारत की भिड़ंत होगी इस टीम से, पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से। जी दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होगी, वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। आपको बता दें अंडर 19 इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन इस बार वर्ल्ड कप में किया हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार के अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। फिलहाल पहला मुकाबला तो साउथ अफ्रीका से होगा सेमीफाइनल का, उसके बाद फाइनल 11 फरवरी को होने वाला है। इसमें देखना होगा कि कौन जीतता है। वही जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर सचिन तेंदुलकर रिएक्शन सामने आया है। ट्वीट करके लिखा, बुमराह भाई मजा आ गए। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 6 विकेट लेने वाले बुमराह के प्रदर्शन की तारीफ की है। बुमराह ने 45 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। अच्छा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एबी डिविलियर्स ने किया है इसका बड़ा खुलासा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा कि विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया है क्योंकि अनुष्का शर्मा दूसरी बार मां बनने वाली है और कोहली इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे, ऐसा अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा है। वही हमारा नौजवान कंट्रोल से बाहर हुआ तो देश में जंग का माहौल हो जाएगा, तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। दिल्ली से बरेली लौटे इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी कर डाली है। उन्होंने कहा मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज का सीएम धामी ने जाना हाल। देहरादून के अस्पताल में वो अभी फिलहाल भर्ती हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य की तबीयत खराब होने के बाद देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है और आपको बता दें सीएम धामी ने उनका हाल चाल जानने के लिए उनके पास गए थे। तो कमाल का पब्लिसिटी स्टंट है। जी हाँ दोस्तों, पूनम पांडे का डेथ न्यूज फेक निकला है। पूनम पांडे के फेक डेथ न्यूज का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा मैं मरी नहीं हूँ, तस्वीर शेयर करके चुटकी भी ली है। जब पूनम पांडे की डेथ न्यूज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन वो खबर झूठी निकली है। इस पर एक्ट्रेस उर्फी जावद ने उनकी चुटकी ली है। अच्छा, बात कर ले पीएम किसान सम्मान निधि की, तो 16वीं किस्त का पैसा कब आएगा? सिर्फ इन किसानों को मिलने वाला है 2000 रुपए। जानिए क्या पूरी शर्त है। दरअसल दोस्तों, जिला कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत सरकार द्वारा हर साल किसानों के खाते में जो 6000 रुपए मिलता है, अभी तक 15 किस्त मिल चुकी है। 16वीं किस्त का किसान धारकों को इंतजार है, लेकिन आपको बता दें सरकारी जानकारी के अनुसार आपको पैसा फरवरी के आखिरी सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह तक मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपका आधार KYC हुआ रहना चाहिए और साथ ही NPCI और जमीन का सत्यापन भी अनिवार्य
होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 16 किस्त आपको नहीं मिलेगी। लगभग 8 करोड़ लोगों को अभी तक 15 किस्त मिल चुकी है और 11.5 करोड़ लोगों थे जिसमें से कई लोगों को बाहर किया गया है। यानी किसान निधि चाहिए तो EKYC फेस ऑथेंटिकेशन समेत कई सारे कार्य कराने होंगे, वे जमीन का सत्यापन भी कराना होगा। 16वीं किस्त का पैसा आपको मार्च के पहले सप्ताह तक, होली से पहले तक 2000 रुपए मिलेगा। वही बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर दिया लेकिन दिवाली में ऐलान किया था, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं मिला। इन लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दे रही है यूपी सरकार। यानी अगर आप एक उज्ज्वला गैस लाभार्थी हैं तो आप भी फ्री गैस सिलेंडर पा सकेंगे, लेकिन लाभ लेने के लिए आपको ये काम करना होगा। यूपी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त रिफिल सिलेंडर देने की घोषणा की है। हालांकि आपको बता दें, दिवाली में बहुत सारे लाभार्थियों को ये लाभ नहीं मिल पाया था, क्योंकि इसका कारण ये था कि आधार प्रमाणन नहीं हुआ था। ऐसा हर जिले में 1-2 लाख लोग हैं जिनका ऐसा कार्य नहीं हो पाया था और उनको रिफिल सिलेंडर नहीं मिल पाया था। लेकिन अब आपको बता दें, 15 फरवरी तक ये एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है कि आप ऐसा कार्य करा पाएंगे। आधार प्रमाणित करा लीजिए जिससे आपको 15 फरवरी तक ये लाभ मिल जाए। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का आधार प्रमाणन नहीं हुआ केवल एक जिले में, ऐसे यूपी के 75 जिले हैं। तो ऐसे लोगों को मुफ्त सिलेंडर की रिफिलिंग एक बार फिर से की जा रही है। यानी ये जो लाभ मिलेगा छूटे हुए लाभार्थियों को मिल रहा है दिवाली के गैस सिलेंडर का। हालांकि अगर आप एक उज्ज्वला लाभार्थी है और आपको पहला सिलेंडर का पैसा मिल गया है तो आप मार्च महीने के होली वाला भी फ्री गैस सिलेंडर इसी समय से आवेदन करके पा सकेंगे। आपको सबसे पहले अपने ही पैसे का गैस सिलेंडर लेना होगा, लेकिन सरकार उस पैसे को आपके खाते में सब्सिडी के रूप में डालेगी। बात कर ले वेदर अपडेट की तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन 10 राज्यों में आंधी तूफान के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। दरअसल कई राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। तेज हवाएं चलेंगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। जी हां दोस्तों, IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 30 से 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ आंधी चलने की संभावना है। कुल 10 राज्यों में आंधी तूफान के अलर्ट बने हुए हैं। दोस्तों वहीं पर गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीनी मिलों ने शुरू कर दी है अंतर मूल्य की अदायगी। अब तक 14,200 करोड़ का भुगतान हुआ है। जी हां, 120 चीनी मिलों में अब तक 574 लाख टन गन्ने की पेराई करके लगभग 58 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। चालू पेराई सीजन में अब तक 14,200 करोड़ रुपए यानी कुल बकाए का 82% भुगतान किया जा चुका है। यानी कुल मिलाकर गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके अंतर मूल्य की अदायगी हो गई है। जी आपको बता दें दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने अपनी पीठ पर भगवान राम और अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर को गुदवा लिया है। जी हां, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ अयोध्या पहुंची थी। क्या आम क्या खास, हर कोई रामलला की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा था। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें ये व्यक्ति राम मंदिर के साथ राम जी की फोटो अपने पीठ पर गुदवाया है। तो योगी सरकार आज पेश कर सकती है अब तक का सबसे बड़ा बजट। इन योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। यूपी का ये बजट आकार में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में लोकसभा चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है। 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने का भारी भरकम बजट सरकार दे सकती है। CM ने बुलाई है बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें बजट के मसौदे की मंजूरी दिलाई जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, लखनऊ मेट्रो के विस्तार को बजट मिल सकता है और गोरखपुर मेट्रो के लिए भी बजट की आस है। हालांकि राशन कार्ड धारकों को इस बार चना, तेल, नमक में से कुछ एक लाभ भी इस बजट में देने का ऐलान हो सकता है। यानी गेहूं, चावल, बाजरा आपको मिलता है, जिसमें 1 किलो अब गेहूं मिलेगा, 1 किलो बाजरा मिलेगा। लेकिन सरकार चीनी, तेल, नमक में से कुछ भी एक चीज आपको दे सकती है प्रति महीने। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट गिर गया है, चांदी में रिकॉर्ड गिरावट आई है। जी दोस्तों, आज सोना चांदी के दाम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,250 का मिलेगा, लेकिन इससे पहले 57,450 का था, यानी बहुत महंगा हो गया है। बाकी आप लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। यहाँ पे आप गाजियाबाद का भी रेट देख सकते हैं 22 कैरेट और 24 कैरेट का। वही बात कर ले किलो चांदी का, तो लखनऊ में 1 किलो की चांदी जो आपको मिलेगी वो 75,500 की है। इससे पहले 76,500 की थी, यानी चांदी 1,000 रुपए सस्ती मिलेगी। तो अब शहर की तर्ज पर गांव से भी घर घर से उठाया जाएगा कूड़ा। शासन से मिला है बजट। शहर की तर्ज पर गांव में भी गूंजेगा गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकालने। ब्लॉक के 44 गांव में अब घर घर कूड़ा उठाया जाएगा। अब गांव में साफ सफाई की नियोजित व्यवस्था होगी। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव में बने कूड़ेदान में ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक प्रबंधन भी होगा। वही दोस्तों, रामायण मूवी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। जल्द होगी रणबीर कपूर की रामायण की शुरुआत। शूटिंग के लिए डिटेल आ गई है सामने। फिल्म एनिमल की अपार सफलता के बाद अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म रामायण में नजर आ सकते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण का डायरेक्शन कर रहे हैं। इस बीच रामायण की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि ये मूवी जल्द ही फ्लोर पर शूटिंग के लिए तैयार होगी। सो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। बने रहिएगा आप हमारे साथ।
फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।